यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य आठवां अध्याय। और जब उसने सातवीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आध घड़ी तक सन्नाटा छा गया, और मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें सात तुरहियां दी गईं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूइंडोल होने लगा, और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सात तुरहियां थीं फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लोहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की एक तिहाई जल गई और पेड़ों की एक तिहाई जल गई और सब हरी घास भी जल गई। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का एक तिहाई लोहू हो गया, और समुद्र की एक तिहाई सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थीं मर गईं, और एक तिहाई जहाज नाश हो गया। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा, और उस तारे का नाम नागदौना कहलाता है, और एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की एक तिहाई और चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया और दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि उन तीन स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय।